आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हम लोग जो हैं वो संसद पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट की कुछ अहम बातें जो है वो हम लोगों ने कर ली है। मैंने आपको बताया था संसद तीन तरीके से बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीन चीजों से मिलके क्या करता है, संसद बनता है, जिसमें कानून पारित होता है। राष्ट्रपति पढ़ लिया, लोकसभा पढ़ लिया और राज्यसभा। अब संसद की जो कार्यवाही है या संसद की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी थी। जिसमें मैंने आपको बताया था पर्सन काल, एग्जाम में पूछा जाता है पर्सन काल कब होता है, तो 11 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद तारांकित पर्सन, इसके बाद अतारांकित पर्सन, उसके बाद अल्पकालिक सूचना के पर्सन, आधे घंटे की चर्चा, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके आगे की कार्रवाई को शुरू कर दें, जिसमें हम लोगों ने शुरू करना था आपका शून्यकाल। एग्जाम में इन दोनों से ज्यादा सवाल आते हैं, पर्सन काल और शून्यकाल से। पर्सन काल का वक्त 11 से 12 होता है और शून्यकाल का 12 से 1। और इसमें शून्यकाल में विपक्ष का सवाल देना सरकार की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, वो उसे तुरंत दे देता है। इसके बाद दूसरा आता है काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, या आपने सुना होगा स्थगन संसद या स्थगन प्रस्ताव। आप देखते हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, पूछा जाता है या देखते भी हैं आप लोग कि आज की कार्यवाही क्या कर दी गई, स्थगित कर दी गई, या 2 दिन के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित की गई। वो क्यों होती है, या तो किसी वजह से होती है, अगर विपक्ष करना चाहे, हंगामा करना चाहे, या कोई आपदा आ जाए, या कोई इंटरनेशनल आपदा आ जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, किसी भी तरह की कोई आ जाए, तो उसे क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सूचना 10 बजे देनी होती है, 10 बजे संसद को 10 बजे देनी होती है, अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से है, ठीक है। इसके बाद आता है जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, जिसे कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ये भी संसद में एक प्रस्ताव होता है, जिससे क्या होता है, सरकार गिरती है। जैसे आपने अभी सुना होगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में अविश्वास प्रस्ताव के तहत ही क्या बनी, नई सरकार बनी, ठीक है। अब कोई बता सकता है आप में से कि महाराष्ट्र में वर्तमान में किसकी सरकार है, वर्तमान में महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, या सरकार का नहीं पता तो आप लोग सीएम बता दें कि सीएम कौन है महाराष्ट्र का। अगर नहीं पता तो एन लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो लिख लेना, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और किसके साथ मिलके बनाई है, बीजेपी के साथ मिलके बनाई है। पहले किसकी थी, उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की, जो किसके बेटे थे, बाला साहिब के, यानी के बाला ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे। और कोई बता सकता है उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या नाम है,
उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या नाम है? हाँ, अब आप कहेंगे सर बिल्कुल, शिवसेना। और शिवसेना ने किसके साथ मिलके बनाई थी? कांग्रेस के साथ मिलके सरकार बनाई थी। और तब कौन थे? उद्धव ठाकरे। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के क्या कर लिए? सारे मंत्री खरीद लिए और संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। और अविश्वास प्रस्ताव करते ही संसद में क्या हो गई? सरकार गिर गई। क्योंकि जो सरकार होती है उसे क्या करना होता है? अपना बहुमत पेश करना होता है, बहुमत पेश करना होता है। अब कोई बताए बहुमत किसे कहते हैं? बहुमत किसे कहते हैं? और बहुमत कैसे प्राप्त किया जाता है? बहुमत कैसे कहते किसे हैं और बहुमत कैसे प्राप्त किया जाता है? और अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है? चलिए अविश्वास प्रस्ताव को तो छोड़िए, यही बता दीजिए बस कि बहुमत पेश कैसे किया जाता है और बहुमत क्या होता है। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, मान के चलिए ये क्या है? संसद है, यानी कि पार्लियामेंट है। इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें सीटें हैं आपकी 20। मैं समझाने की बात कर रहा हूं आपको। दो तिहाई लोग नहीं होते, ठीक है ना? मान के चलिए 20 लोग हैं, तो बहुमत किस पे होगा? 10+1, यानी कि 11 पे। यानी कि जितनी सीटें हैं उसमें से एक सीट ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, उसमें एक सीट ज्यादा होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर अगर ये 21 हो फिर कैसे हो? आप तो कहेंगे सर फिर तो 11.5 होगी। क्यों भाई? ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा ना। तो तब जो मानी जाती है वो मानी जाती है 12 पे, सॉरी 10.5 पे आएगा, 10.5 पे। अब 10.5 में एक जोड़ेंगे तो 11.5 हो जाएगा। तो या तो 11 पे माना जाता है या 12 पे माना जाता है। तो यही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। जितनी वहां पर सीट थी उतनी क्या नहीं कर पाए? ये बहुमत, बहुमत का मतलब उतने विधायक अपनी पार्टी के नहीं दिखा पाए, इसे कहते हैं बहुमत। मान के चलिए 20 लोग चाहिए थे तो इनके पास 18 बचे, इनके 2 कम हो गए। नहीं, 2 तो ज्यादा हो जाएंगे भाई, 18 कैसे करेंगे? दूसरी पार्टी भी तो करनी है, 8 मान के चलेंगे, ठीक है। और बीजेपी के पास कितने थे? 9। 18 9 कितने हो गए? 17। अब 2 हैं कांग्रेस के पास, ठीक है, और 1 है अन्य या अदर मान लेते हैं जिसे, ठीक है। अब कांग्रेस के तो टूटे नहीं, अब ये जो शिवसेना वाले थे ये टूट गए। और यहां से जो 1 था अन्य उसे भी खरीद लिया, यहां से इन्होंने 2 ले लिए तो यहां पे कितने हो गए? 11। और 1 यहां से ले लिया इन्होंने, हो गए 12। तो बहुमत इनका हो गया और सरकार किसकी बन गई? एकनाथ शिंदे की, जो क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है? भारत के वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? अभी उनकी वाइफ ने एक नया स्टेटमेंट दिया है कि महात्मा गांधी पुराने भारत के राष्ट्रपिता थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। ये अभी उनकी बीवी ने स्टेटमेंट दिया है, अभी हाल फिलहाल में ही दिया है, ज्यादा दिन नहीं हुए। बताइए।
देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त क्या है, महाराष्ट्र के उप सीएम है, क्योंकि वो बीजेपी के पार्टी के हैं, ठीक है भाई। और अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, और लोकसभा में जब ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, तो सरकार गिर जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट, कोई क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं समिति की, कि संसद में कौन कौन सी समिति काम करती है, ठीक है। संसद में कौन कौन सी समिति काम करती है, तो इसमें एक होती है स्थायी समिति, कौन सी स्थायी समिति, कौन कौन सी होती है लिख लीजिएगा। पहली होती है नियत, नियत समिति, दूसरी सामान्य, सामान्य परियोजन, राइटिंग तो बेटा समझ में आ रही है ना, और इसके बाद कार्य मंत्रण, कार्य मंत्रण, ये तीन स्थायी समिति होती है, और इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है, जो लोकसभा का क्या होता है, स्पीकर होता है। और अभी वर्तमान में हमारा स्पीकर कौन है लोकसभा का, बताइए, अभी वर्तमान में कौन है हमारे देश का, हाँ, ओम बिड़ला। और लोकसभा के पहले, लोकसभा के पहले स्पीकर का क्या नाम है, लोकसभा के पहले स्पीकर का क्या नाम है, तो लिख लेना जीवी मावलंकर, मावलंकर पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये हमारे देश के पहले लोकसभा स्पीकर है। कब बने थे, 1952 से लेके 1956 तक, 4 साल तक, ठीक है। और इनको क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, फीमेल स्पीकर ऑफ आवर लोकसभा, बताइए भाई, पता हो तो यस लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं सर हमें नहीं पता, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे जो है वो करना है। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं पता, फीमेल का नहीं पता आप लोगों को, आपने नाम सुना होगा मीरा कुमार, सॉरी मीरा कुमारी, नाम याद आया मीरा कुमार, जो पहली लोकसभा स्पीकर है हमारे देश की, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे देश की पहली
महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। और किसके कार्यकाल में रही? कांग्रेस के कार्यकाल में रही, कांग्रेस के कार्यकाल में रही। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा। इसमें कुछ स्थायी वित्तीय समिति होती हैं। वित्तीय का मतलब होता है जो फाइनेंस से संबंधित होती हैं, वित्तीय समिति, स्थायी वित्तीय समिति। और ये भी कितनी होती है? तीन। पहली होती है प्रक्कलन, और तीनों इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लेना, प्रक्कलन। दूसरी लोक लेखा समिति, और तीसरी सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति इंपॉर्टेंट है। पहली है प्रक्कलन, दूसरी लोक लेखा, और तीसरी सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये तीन तरह होती हैं। इनका क्या का काम होता है, ये क्या करती हैं, उसके बारे में जो है वो आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले आएगी आपकी प्रक्कलन। प्रक्कलन ठीक है, इसे अनुमान समिति भी कहा जाता है, इसे अनुमान समिति भी कहा जाता है, या स्थायी मित व्ययी समिति भी कहा जाता है। अनुमान या स्थायी मित व्ययी समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम होता है वित्तीय योजना बनाना, वित्तीय योजना बनाना। और प्रक्कलन वित्तीय योजना सबसे बड़ी है, योजना कह लें या समिति कह लें। संसद में अगर कोई सबसे बड़ी समिति है तो वो प्रक्कलन समिति है, और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसका जो कार्य होता है वो होता है कि सरकारी खर्चों में कैसे कमी की जाए, सरकारी खर्चों में कैसे कमी की जाए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो आप मुझे बताइए आप अपने खर्चों में कैसे कमी करते हैं, यानी कि आप पैसे कैसे बचाते हैं, आप पैसे कैसे बचाते हैं। तो वही काम इस समिति का होता है। अब देखते हैं कौन बच्चा बताएगा कि हम पैसे कैसे बचाते हैं। सर जी हमारे पास है ही नहीं, हम बचाएंगे ही नहीं। हाँ, गैर जरूरी चीजें छोड़कर, बिल्कुल। तो ये जो समिति होती है वो यही देखती है कि सरकार कहाँ पर पैसा खामेखा खर्च कर रही है। और इसका जो दूसरा काम होता है वो होता है प्रशासन में सुधार लाना, प्रशासन में सुधार लाना, प्रशासन में सुधार लाना। ये इनके अहम कामियां होते हैं, अहम काम होते हैं प्रक्कलन समिति के। इसके बाद आता है लोक लेखा समिति। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 22, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं और लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? 22। अब इसे लोक लेखा समिति को और किन किन नामों से जाना जाता है वो आप देखिए।
सबसे पहला, इसे प्रक्कलन समिति की बहन कहा जाता है। की बहन कहा जाता है, प्रकरण समिति की बहन कहा जाता है। उसके बाद रखवाली वाला कुत्ता कहा जाता है, रखवाली वाला कुत्ता, रखवाली वाला कुत्ता। इसके बाद सदन की दो आंखें कहा जाता है, सदन की दो आंखें कहा जाता है। बताइए सदन की दो आंखें किस समिति को कही जाता है, किस समिति को कहा जाता है? बिल्कुल, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। शाबाश, गुड। और इम्पोर्टेंट लिख लेना, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता, सरकार का नेता नहीं होता, और ना ही जो सरकार में मंत्री होता है वो होता है, हमेशा विपक्ष। जैसे अभी संसद में कौन सी पार्टी विपक्ष में है, संसद की कौन सी पार्टी विपक्ष में है? आप कहेंगे सर कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस क्या है, इस वक्त संसद में विपक्षी पार्टी के तौर में है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि विपक्ष कौन बनता है और क्यों बनता है और कैसे बनता है? विपक्ष कौन बनता है, कैसे बनता है और कौन बनता है? अगर नहीं पता तो एन लिख दीजिएगा, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सर जिसके वोट जीतने वाले से कम होते हैं। बिल्कुल, विपक्ष वो बनता है, सबसे पहला जीतता तो वो है, ऐसी बात नहीं कि वो जीतता ना हो। मान के चलिए दो हैं, ए और बी, ये कोई पार्टी है, इसके चार हैं और इसके दो हैं, और बहुमत कितने पे होता है, तीन पे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, वैसे तो चार पे हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसके पास जो एक है वो सी पार्टी का है, सी का मतलब अदर का है, सी का मतलब अदर का है। तो अब ये जो अदर का एक है ये इसके पास चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, अकेला किस में आ जाएगा, सरकार में आ जाएगा। लेकिन अगर ये इसके साथ ना जाए तो ये किस में आ जाएगा, विपक्ष में आ जाएगा। विपक्ष में भी वही लोग बनते हैं जो जीत कर आते हैं, ऐसे नहीं कि हारे वाले लोग, हारे वाले सांसद जो है वो बन जाते हैं, नहीं, वो जीत के आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कि उनकी पार्टी उतना बहुमत हासिल नहीं कर पाती कि वो सरकार बना सके। विपक्ष में तो होते हैं लेकिन वो सरकार नहीं बना सकते, और सरकार बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, विधायकों की और सांसदों की। अब वो क्या होने चाहिए, बहुमत में, जैसे मैंने आपको अभी बताया अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, समझ में आया था आपको अविश्वास प्रस्ताव? ठीक है ना, तो जो विपक्ष होता है वो भी जीतता है लेकिन वो कमजोर होता है, उसके पास बहुमत नहीं होता, इसीलिए वो क्या होता है, विपक्ष होता है। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है पीएसी की फुल फॉर्म क्या है, तो पीएसी लोक लेखा समिति को ही कहा जाता है। इसका नाम होता है पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट कमिटी।
COMMITTEE कॉमेटी, ठीक है। इसका नाम इंग्लिश में पूछा जाता है इसलिए आप लोग इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कार्य होता है वो प्राक्कलन समिति के द्वारा जो काम किए गए हैं उसकी जांच पड़ताल करना, उसकी जांच पड़ताल करना इसका कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी आती है यानी कि तीसरी आती है हमारे पास सार्वजनिक, सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसका दूसरा नाम होता है लेखा अनुदान, लेखा अनुदान समिति, लेखा अनुदान समिति, ठीक है। लेखा अनुदान को ब्लैंक चेक भी कहा जाता है, ब्लैंक चेक कह लें या कोटा चेक कह लें, बात एक ही है, दोनों इसी के नाम है, ब्लैंक चेक या कोटा चेक, कोटा चेक, ठीक है। और ये किसमें काम आती है? अनुदान देने के लिए, अनुदान यानी कि डोनेशन देने के काम आती है, ठीक है ना भाई। आप अगर किसी को पैसे दे रहे हो तो जाहिर सी बात है चेक में देंगे, यानी कि एक तरीके से उसे किसी को नहीं बताएंगे, और ब्लैंक चेक का मतलब यह है कि हमने उसे कितना दान दिया। कहते हैं ना कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, आपने कहावत सुनी होगी, तो वही है। अगर सरकार किसी को अनुदान देना चाहे, अब तो खैर बता देते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं बताना चाहिए, और इसीलिए इसे ब्लैंक चेक या कोटा चेक से कहा गया है। कोटा जानते हैं ना किसे कहते हैं? कोटा बताइए, कोटा शहर आजकल क्यों सुर्खियों में है? जो राजा कोटा है वो क्यों सुर्खियों में है आजकल? वहां पर बच्चों के सुसाइड बहुत हो रहे हैं, बच्चों पर स्टडी का प्रेशर बहुत, और इसलिए वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, वहां पे कोचिंग है ना, उस पे वेब सीरीज भी बनी है। वेब सीरीज का मतलब होता है ड्रामे बने हैं। हाँ, वहां पर कोचिंग होती है IIT की, JEE की, इन सब की, इंजीनियरिंग की, तो उसी में क्या होता है बच्चों पे प्रेशर बढ़ता है और वो क्या कर रहे हैं वहां पर? सुसाइड कर रहे हैं आजकल, उसी में ही है वहां पर। तो ये एक क्या है, बुरी खबर है कि बच्चों पर जो है वो पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, वो झेल नहीं पाते। बाज लोग झेल पाते हैं, बाज लोग नहीं झेल पाते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर जो होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। एक होता है नॉर्मल प्रेशर, लेकिन एक जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो बच्चा उसे क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और वो सुसाइड करने पर क्या हो जाता है, आमदा हो जाता है। घर वालों के ताने, डिप्रेशन, न जाने कौन कौन सी मुश्किलें उसके गले में रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इंसान को जो है वो संभल के काम करना होता है। इसीलिए आप लोग भी जो है वो पढ़ाई का प्रेशर ना लें, ठीक है ना, फिक्र लें, प्रेशर ना लें। अब आप कहेंगे सर फिक्र में और प्रेशर में यानी कि टेंशन में क्या फर्क है, आप बताइए, अगर कोई बच्चा बता सकता है फिक्र में और टेंशन में क्या फर्क है? बेटा बस छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊंगा। मान के चलिए आप रात को सोने गए, ठीक है, और आपने सोचा कि भाई जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, ठीक है, ये आपकी फिक्र है। अगर मान लो बाय चांस आपकी आंख नहीं भी खुली तो कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है, अगर नहीं हुई तो कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है, आप बाद में पढ़ लेना, कल नहीं पढ़ी परसों पढ़ लेना, लेकिन आपने नहीं पढ़ी,
एग्जाम्पल के तौर पे फजर नहीं पड़ी और उसको आपको फिक्र भी थी, तो अब आपके जहन में क्या रहेगी, टेंशन रहेगी कि भाई मुझसे जो है वो फर्ज छूट गई। अब आप पूरे दिन उसी उसमें रहेंगे, गुमान में रहेंगे। होता होगा बाज मरतबा आप लोगों में, लोगों के अंदर भी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नफिल नमाज है, ये फर्ज है, तो दोनों में फर्क होता है। तो बेटा ऐसे ही वो होता है लाइफ में, भाई नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज कर लो, लेकिन टेंशन ना लो, बेफिक्र होके दिल से पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको 100% क्या होगी, कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपकी जॉब लग गई, नहीं, बहुत से लोग जॉब लगने के बाद भी बहुत परेशान होते हैं, उन्हें सुकून नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा अहम है कि आप अपनी तालीम से अपने अंदर सुकून लाएं, अपने अंदर तहजीब लाएं, अपने अंदर अदब लाएं। यह सबसे अहम बात होती है तालीम की, कि आपके बोलने का लहजा कैसा है। अगर आपने ज्यादा पढ़ लिख लिया है तो आप किसी को हकीर ना समझें, अगर आप अनपढ़ हैं तो आप अपने आप को बेबस या कमजोर ना समझें, क्योंकि हो सकता है आपके पास ऐसा हुनर हो जो सामने वाले के पास ना हो। आप देखते हैं ना कि घर में जब इलेक्ट्रिक वाला आता है तो वो एक तार जोड़ता है और आपसे 1,500 रुपये ले जाता है, तो वो किसके ले गया, डिग्री का थोड़ी ले गया, वो तो उस हुनर के ले गया जो उसने 10-20 साल में कमाया है। अब उसके पास तो कोई डिग्री ना होगी, चलो खैर अब तो आईटीआई कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, पहले तो नहीं होता था, क्यों भाई, समझ में आए। गुड, तो अब हम लोग जब आपसे कल मुलाकात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे विधेयक के बारे में, विधेयक के बारे में यानी कि बिल के बारे में, कि कितने तरह के बिल होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब आप कहेंगे सर बिल तो बहुत सारे होते हैं, बिजली का बिल, लाइट का बिल, मोबाइल का बिल है, गर्लफ्रेंड के शॉपिंग का बिल, बॉयफ्रेंड के खर्चे 100 अलग, आटे का बिल, ये सारे बिल होते हैं। तो इन सारे बिल पे हम लोग कल आराम से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना। बाकी आज की क्लास में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताएं। और बेटा जिन बच्चों की ज्योग्राफी क्लास नहीं चल रही है अभी कुछ दिन से, वो बेफिक्र रहिए, 1-2 दिन में आपकी ज्योग्राफी क्लास भी शुरू हो जाएगी। और अपना जो ऐप है उसे आप लोग अपडेट कर लें, ठीक है ना। और जब तक आपसे अपडेट करने के लिए ना बोला जाए उसे अपडेट मत कीजिएगा, अब आपसे बोला जा रहा है तो आप लोग उसे अपडेट कर लीजिए। बेटा कोटा चेक का मतलब होता है रिजर्वेशन, रिजर्व होता है एक तरीके से, भाई सरकार के पास पैसा आया है तो सरकार को डोनेशन देने की एक लिमिट होती है कि आप इतना पैसा दे सकते हैं, क्लियर है। आप देखते हैं ना किसानों का इतना कर्जा माफ कर देते हैं, तो उसे ही बोलते हैं अनुदान या डोनेशन, कि भाई माफ कर दिया, चलो, क्लियर। कोटा चेक का मतलब, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल।